तेरे को कुछ मालूम भी है? आ गया बड़ा डिटेक्टिव बन के। पुलिस में नौकरी नहीं मिला तो बाप के पैसे से ऑफिस खोल दिया। तू कहना क्या चाहता है साले? कहना यही चाहता हूँ कि मादरचोद तू ज्यादा बन मत। दो दिन ब्लेजर पहन के क्या घूम लिया, बन गया शैलोक होम। गलत बोला तूने भाई, शैलोक होम्स नहीं, शैलोक होम्स। हाँ साले, बहुत पढ़ाई किया ना तूने बाप के पैसे से। मेरा बाप मर गया था जब मैं सिर्फ 15 साल का था। चल अभी पका मत, बच्चेदन पत्नियों की तस्वीर खींच और पैसे कमा। आ गया बड़ा मर्डर केस से खेलने। तुम शायद भूल रहे हो कि मुझे अपॉइंट किया गया है एंड यू आर बाउंड टू कॉपरेट। हाँ और साला कर भी क्या रहा हूं मैं? काम पे ध्यान दे, वी आर ऑलमोस्ट देयर। सच कहूं तो तेरे इंटरफियरेंस की वजह से आज ये केस का इन्वेस्टिगेशन इतना ढीला पड़ गया है। गलती कर रहे हो, मैं हूं इसीलिए केस सोल्व हो रहा है। ये ऑपरेशन मैं लीड कर रहा हूं और ये केस भी मेरा है, सो व्हाई नॉट जस्ट बैक ऑफ। गाड़ी साइड पे लगा ले भाई, एक्शन का टाइम आ गया। अबे साले कितना अंधेरा है। ये ले साले, तेरा ऑन द स्पॉट होता है। अबे क्या कबाड़ खाने में लेके आया है, जगह तो ठीक है ना? लोकेशन यहीं की डिटेक्ट हुई है। अब अगर तुझे डर लग रहा है तो तू अंदर बैठ जा, मैं अकेला पकड़ लूंगा उसे। मुझे डर लगता है? अला आज तो ठोक के जाऊंगा। ये आदमी एकदम साइको लगता है, बोले तो एकदम मेंटल। मेंटल नहीं, इसका दिमाग ज्यादा चलता है। ऐसा कर, तू उधर देख, मैं इधर देखता हूं, पर जरा ध्यान से करन।
करने है साला। चल बेटू, कहां छुपा के रखा है वो दोनों लड़कियों को बताओ। तुम्हारा ये अग्रेसिव नेचर देखने में बहुत अच्छा लगता है। In fact, you are a clown. अंग्रेजी बोलेगा। तुम्हें देख के कोई भी बता सकता है कि तुम्हें फांसी होगी। कहाँ है वो लड़कियाँ? वो दोनों अपनी जगह पे सेफ हैं। काफी दिनों से बात नहीं हुई किसी से। बेचोत, क्या हो गया उनके साथ? बताओ। थक गया क्या? सुन, मैं तुम्हें वो जगह लेकर चलूंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम सिर्फ अकेले चलोगे मेरे साथ कल सुबह। बट इसमें रिस्क है इंस्पेक्टर करण। एब्सोल्युटली। और कोई रास्ता? दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर। आई कैन डू दिस, ट्रस्ट मी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक वो एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, और हमने आज तक इतना खतरनाक मुजरिम नहीं पकड़ा। सर, मेरे पास मेरा गन होगा, एंड ही विल बी कंप्लीटली कफ्ड। देयर इज नथिंग टू लूज। ठीक है इंस्पेक्टर, यू मे प्रोसीड प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साले, तू चुप नहीं बैठ सकता? चुप। हवलदार, गाड़ी साइड में लगाओ। तुम्हारी पहचान नफरत से भरी पड़ी है करण। तुम्हारे नाम में जो सच है वही तुम्हारी पहचान है करण, जो इंतकाम से ना बच पाया। हाँ साले, जैसे तू सब जानता है ना। जानने की कोशिश करता हूं। चल अब जल्दी कर, चल। जी आप कौन? मेरा नाम रजत है। मैंने और करण ने मिलकर गिरफ्तार किया इस दरिंदे को पिछली रात। ओहो, करण साहब के दोस्त? हाँ जी। आइए आइए। थैंक यू सर, आपके बारे में बहुत सुना है। आप प्राइवेट काम करते हो? हाँ, पर आप लोगों से ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता। करण निकल गया से लेकर? हाँ जी सर, अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं और हेडक्वार्टर उनको ट्रैक कर रहे हैं, और वो अकेले ही गए हैं। मैं यहाँ देख सकता हूँ? जी सर। तो ठीक है, आप लोग भी अपनी ड्यूटी कीजिए। ओके सर,
छोटे शहर से आकर एक बड़ी नौकरी, प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकते हो तुम। यू आर ओवर एम्बिशियस। तुझे कैसे पता ये सब? पता लग जाता है अगर तुम देख सको तो। तुम्हारे बारे में ये जजमेंट कंस्ट्रक्टिव है, बहुत आसान है। तो वो उसे यहीं लेकर जा रहा है। इसका मतलब सब कुछ पहले से प्लान था। शिट। जिस चीज को मारा वो सब बेकसूर थे। बेकसूर? I made them free। घृणा से मुक्त किया है मैंने उन लोगों को। Now you will be free too। मुक्त हो जाओगे तुम करण। पिक अप द फोन करण। जनाब जी, हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। जनाब जी, हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। जनाब जी, the subscriber you are calling is switched off. Please try after some time. Oh God! Hello, police headquarter. Karan ki jaan khatre mein hai. We need a backup. Main location send kar raha hu. Aap please jaldi se backup bhejiye. Shit.
आजादी से सबको डर लगता है, इसीलिए कोई भी पूरी आजादी नहीं चाहता। सब ऐसे ही खुश हैं। फ्रीडम इज क्लाउडेड बाय एंग्जाइटी, और ये फिक्र ही हमारी जिंदगी की सबसे शुद्ध भावना है। पर इस फिक्र को मिटाना होगा, इसको खत्म करना होगा। करण, तुम अपने पास्ट के बारे में सब बोल चुके हो मुझे। मुझे जो जानना था मैंने जान लिया। आई नो यू आर इन पेन करण, और इस दर्द को हमें मिटाना होगा। अपने पास्ट से भाग नहीं सकोगे तुम। अगर भागना है तो अपने आप को मिटा दो, आजादी मिल जाएगी। आजादी मिल जाएगी। आजादी मिल जाएगी। आजादी मिल जाएगी।